नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंडिया में। आज हम मौजूद है वसंत कुंज के D3 में, जहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पे एक बहुत अच्छी फेयर का आयोजन हुआ है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? यार तनेजा। ओके सर, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम BK सेंगर है। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में आप बताइए। डेफिनेटली आपको तो मालूम ही है कि पिछले 2-2.5 साल से जो पैंडमिक चल रहा था जी। तो उस समय मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स, यहाँ खाली D3 D4 के ही नहीं बल्कि सारे ही पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो सभी लोग घरों में बंद थे एक तरह से। तो अब उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर निकलने का, तो उन्हें, और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे RWA के जो फंक्शनरीज हैं उन्होंने ये प्रोग्राम किया है, तो लोगों में जो एक उत्साह है वो देखने लायक है, रियली देखने लायक है। और किस तरीके से बच्चे और जो लेडीज हैं वो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, वो तो आप भी देख सकते हैं कि क्या कितना एंजॉय कर रहे हैं, पब्लिक है और उसमें भगवान ने भी कुछ मेहरबानी की है, कितना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी धूप है। लेकिन डेफिनेटली जो कोरोना ने जो हमको सफ़र कराया है उसके बाद में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। फिर जो स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो इस तरीके की गेट टुगेदर होती है, तो उन्हें आपस में एक दूसरे से बातचीत करने का, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा ओकेजन होता है सर। सब अपने घर से निकलते हैं, आते हैं, बैठते हैं, इतना अच्छा मौसम है। और यहाँ तक कि सिर्फ D3 D4 के लोग नहीं है, डिफरेंट सेक्टर के प्रेजिडेंट्स भी आए हुए हैं, अभी कॉर्पोरेटर शायद आए, वो भी आए। तो ये एक बहुत बढ़िया गेट टुगेदर हमारे इस RWA ने ऑर्गेनाइज किया है, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। आप देखिए कितना रश है यहाँ, कल्चर प्रोग्राम के साथ साथ स्टॉल वगैरह सब लगे हुए हैं जी। हमारे साथ मैम भी एक मौजूद है। मैम, आज जो प्रोग्राम है, जो आज जो हम ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो इस तरीके के प्रोग्राम से कितना रिलीफ मिलता है आपको, कितना एंटरटेनमेंट? बहुत एंटरटेनमेंट होता है, स्पेशली जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके ऊपर स्कूल का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें यहाँ इंजॉय करने का, अपना जो स्ट्रेस है स्कूल का वो यहाँ पर वो आके अपना रिलीज़ कर सकते हैं। तो इट्स गुड फॉर किड्स एंड फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। तो अभी तो क्रिसमस का टाइम भी है, तो क्रिसमस का थीम भी है, तो हम सब बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया? ऐसे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ पार्टिसिपेट करेंगे? या हम लोग तो ऑर्गेनाइज़र हैं, तो पेरेंट्स सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी कार्ड मेकिंग कॉम्पिटिशन होके चुका है, वी विल हैव अंताक्षरी ऑल्सो। हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं, आपको कैसे लग रहा है प्रोग्राम में? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ सुनाना चाहोगे आप? नो। अच्छा, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं चैनल पे, आप कुछ अच्छी सी पोएम सुनाओ। मेरे को नहीं आती पोएम। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, जिंगल बेल। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना आनंद उठा रहे हैं, बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, हम बातचीत करते हैं कुछ और यहाँ पर जो फेयर में आए हैं दर्शक। सर, आप और क्या बताना चाहते हैं इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं जो आपने आयोजन करा है, जो कि कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी आपके सामने, कुछ चुनौती भी आई होंगी कोविड के बाद फिर से लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें यहाँ बुलाना, आप अपना परिचय देंगे पहले? मेरा नाम उदय शंकर है, हम RWA के प्रेसिडेंट हैं, और पिछले 6 महीने में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए कोविड खत्म होने के बाद। लोग को रिक्वायरमेंट था, सब अंदर घर में थे, बाहर आए और अच्छा लग रहा है देख करके, रेजिडेंट आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली इंजॉय कर रही है। और इसके पहले दिवाली मेला भी काफ़ी अच्छा था, और अभी भी ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। लोगों ने, पूरे RWA की टीम बहुत मेहनत करती है, हर तरह से हम चाहते हैं कि रेजिडेंट खुश रहें और ये कॉलोनी वन ऑफ द बेस्ट बने। सर, जो जो मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं जो अपने प्रायः अपने घरों में रहती हैं, उन्होंने आज यहाँ डिफरेंट डिफरेंट बहुत तरीके के ना विभिन्न स्टॉल लगाए हैं, और कुछ ना कुछ वो अपने होममेड चीज़ों का यहाँ पे प्रचार कर रही है। हमने देखा होममेड कैंडल्स यहाँ पर हैं, होममेड पिकल्स यहाँ पर है, और बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो सर, लेडीज़ के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है? हम लोग सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हमारी कॉलोनी के बाहर के सभी लोग यहाँ पर आए, अपना जो उनका हुनर है उसको बाहर लाए और लोग जाने, और लोग इसी बहाने लोग एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, और हमारे कॉलोनी में इससे बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बन रहा है। लोग एक दूसरे को बहुत हेल्प कर रहे हैं, लोग जानना शुरू कर दिए हैं, जो पिछले कई सालों से किसी को नहीं जानते थे। इन सब प्रोग्राम्स के थ्रू हम इसको जो बहुत एक्टिव बना दिए हैं, और इतने एक्टिव हो गया कि अब लोग चाहते हैं कि हाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहे, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अभी स्पोर्ट्स मीट हुआ और डिफरेंट गेम्स है यहाँ पर, हम लोग कम्युनिटी हॉल में अभी टेबल टेनिस का टेबल लगाए, कैरम लगाए, आप देखिए जाकर के अंदर अभी बैठ करके लोग कैरम खेल रहे हैं। अभी टेबल हटाया इसलिए क्योंकि अंदर प्रोग्राम होना है, इसलिए वैसे टेबल कभी रिमूव किए, लेकिन अभी लोग चाहते थे कि हमारा
टेबल टेनिस कैरम हम खेलें, कुछ बुजुर्ग लोग सीनियर सिटीजन आए बोले कि हमको कैरम भी खेलना है, बोले एकदम खेलिए, अब शौक से खेलते हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, हमको भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा करी, क्योंकि आपने बोला कि जैसे लोग एक फ्लैट में रहते हैं दिल्ली में, तो उन्हें ऐसा मौका नहीं मिल पाता है कि वो सब लोग इकट्ठे हुए एक साथ एक जगह पर इकट्ठे होकर अपने विचार शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी स्टॉल यहाँ पर लगी हैं, बहुत सारे रोज़गार के अवसर भी मिले हैं वो महिलाएं जो घर में रहती हैं उनको, वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल के माध्यम से लोगों के सामने रख रही हैं। और बच्चे जो कि अपनी पढ़ाई के बोझ में इतने ज़्यादा दबे हुए होते हैं, यहाँ आकर वो बहुत इंजॉय करते हैं। आइए हम ई रेडियो के इंडिया के दर्शकों को बातचीत कराते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों से भी। सब भी है एंड यहाँ पे क्लोथ्स एंड गेम्स। यूर इन विच क्लास? फोर्थ। ओके, सो हाउ डू यू लाइक योर दिस फेयर? ऑफ योर फ्रेंड्स हैं यहाँ पे? यस। ओके, आप बताओ आपको फेयर कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा, और यहाँ बहुत सारी खरीदने और खाने की चीजें हैं। यूर इन विच क्लास? फिफ्थ। क्लास फिफ्थ। ओके, कौन से स्कूल में हो आप? टैगोर इंटरनेशनल। ओके, और आपने फेयर में यहाँ पे क्या एंजॉय किया? मैंने ये नेकलेस खरीदा, कपकेक खाए और ये टैटू बनवाया। शो मी योर टैटू। हाउ स्वीट। मैम आप ये क्या बना रहे हो? वी मेकिंग क्रिसमस ऑर्नामेंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ मैग्नेट एंड एज अ द एक्सेसरीज। ओके, आई विल शो यू। ये इस तरीके के मैग्नेट्स, इस तरीके के ये होम मेड सामान हैं क्राफ्ट के, जो आप घर की डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे साथ मैम यहाँ पे हैं जो ऐसे बहुत सारे सामान हैं बच्चों को सिखा भी रही हैं बनाना, और बनाकर यहाँ पे अपना स्टॉल भी मैम ने लगाया है। मैम क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, ओके। सो मैम, सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन मेकिंग ऑल दिस थिंग्स? आई एम एन आर्किटेक्ट एज सच। ओके, एंड इट्स बीन लाइक 3 इयर्स। ओके ओके ओके। सो वैसे मैम एक आर्किटेक्ट हैं, बट ये उनकी हॉबी है जो बच्चों को इस तरीके से ये होममेड सामान है, स्टिकर्स हैं वो यहाँ पे बना रही हैं। आपको दिखाते हैं कुछ स्टिकर्स आज हम। और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं इसको, ये स्टिकर्स हैं होममेड जो, और ये बच्चों को खुद भी बनाना सिखा रही है। ओके, लवली। एंड मैम फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न दिस? आई लर्नड इट ऑन माय ओन। ओके ओके। अंजू आंटी। अंजू, मैं अंजू। मैं आंटी। आई वांट टू मेक लाइक। और मैम आप अपने काम को किस तरीके से एंजॉय करते हैं विद किड्स? ओके, मेरा नाम असम कपूर है, मैं यहाँ D3 में रहता हूँ। और जब से ये अपना हमारे प्रधान जी आए हैं, इन्होंने कैरम प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर जी। हम बड़ा एंजॉय करते हैं, यहाँ पर खेलते हैं, टाइम अच्छा पास हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद और क्या करना है? बिल्कुल है ना सर। ये जो आयोजन यहाँ पर हुआ है, ये जो फेयर यहाँ पर लगी है इतने टाइम बाद, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ सबके लिए अरेंजमेंट हुआ है और आप लोग भी यहाँ पर इन्जॉय करें, तो कैसे आप लोगों को एक दूसरे के संग वक्त बिताने का मौका मिलता है? जो शायद मैं यहाँ पर 12 साल से हूँ, जो कभी नहीं हुआ आज तक, और ऑब्वियसली हम जब से यहाँ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और आप देख ही रहे हो यहाँ पर, मतलब शाम को 6-6:30 बजे आते हैं, 8 बजे जाते हैं, बहुत अच्छा टाइम पास होता है। सर कैसे आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपना समय बिताते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? दिस इज़ अ सोशल गैदरिंग है ना, right. लोग मिलते हैं आपस में, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको डिस्कस करते हैं, खुशी एक होती तो बांटते हैं। सर टुडे इज़ इन अ हैक्टिक शेड्यूल, इट्स वेरी रेयर, पीपल दे आर वेरी हार्डली स्पेंड टाइम विद ईच अदर। आई नो इट, राइट। सी दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन द यू नो पीपल कम आउट विद देयर फैमिलीज to like interact with the other residents. Right.
सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय D3 इन वसंत कुंज, जहाँ पे सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करके रखा है, एक अरेंजमेंट यहाँ पे करके रखा है कि आप किस तरीके से जो अपना समय है उसको स्ट्रेस से बाहर ला सकते हैं, आप अच्छे वातावरण में खुशनुमा अपना समय अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ आप बिता सकते हैं। थैंक यू। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।